आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा पावर स्टॉक के बारे में। टेक्निकली इस स्टॉक को देखेंगे तो पिछले काफी लगभग 6 महीने से ये स्टॉक कंसोलिडेट फॉर्म में ट्रेड होते हुए दिख रहा है, जबकि डिलीवरी भी देखेंगे तो 42-60% तक का दिख रहा है। ये स्टॉक सेम एज लाइक आप ITC को कुछ समय पहले देख रहे होंगे, तो सेम यही कंसोलिडेट फॉर्म ITC में भी देखने को मिल रहा था और उसके बाद का रैली आपने देखा ही, तो सेम जो कंसोलिडेशन फॉर्म है वो इस स्टॉक में 238-220 के बीच का पिछले 6 महीने से चलते हुए दिख रहा है। हालांकि कंपनी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रही है, और चूंकि देखेंगे तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अगेन एक डील और कोलैबोरेशन JP इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मुंबई के अलग अलग जो भी प्रांत हैं वहाँ पर हमने देखा, और मुंबई स्टेट के अंदर कोलैबोरेशन करते हुए और पब्लिक प्लेसेस पर भी बहुत सारे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हुए दिखी है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे थे ग्रीन एनर्जी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जिस प्रकार से कंपनी अग्रेसिव काम करते हुए दिख रही है। नेक्स्ट 5 ईयर के प्लान को भी आपने सुना ही होगा कि अराउंड मोर देन 70,000 करोड़ कैपेक्स करने जा रही है, तो ये श्योरली बूस्टर होगा और वेल्थ क्रिएशन अगर आप 3-5 ईयर के लिए करते हैं तो श्योरली दिखने वाला है। इस समय शॉर्ट टर्म ट्रेडर को देखें तो 238 का जो प्राइस रहा वो एक मेजर रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को इमीडिएट क्रॉस करने के बाद ही जो लास्ट टाइम का रैली हमने 290 तक के लेवल्स दिखे थे, इस समय कंटिन्यूस उस जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रही है, जिसके कारण स्टॉक कंसोलिडेट फॉर्म में है। 238 के ऊपर का डेली क्लोजिंग इस स्टॉक का इमीडिएट टारगेट 270 प्लस तक का दिखने वाला है विद स्टॉप लॉस बिलो 224। साथ में एक दूसरा स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, राम रतन वाइट, क्योंकि इस स्टॉक में बोनस इशू आने वाले हैं। टेक्निकली ये स्टॉक वीक है, तो बोनस के न्यूज के बाद इस स्टॉक में लॉन्ग करने से बचे, डाउन ट्रेंड 240 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। इस स्टॉक में लॉन्ग तभी करेंगे जब ये स्टॉक 300 के ऊपर सस्टेन करती है।